नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Google Pixel 9 versus Xiaomi 14 Ultra G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Google Pixel 9 में 6.02 इंच जबकि 14 Ultra में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Google Pixel 9 में 2.83 इंच जबकि 14 Ultra में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Google Pixel 9 में 198 ग्राम जबकि 14 Ultra में 219.8 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Google Pixel 9 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Google Pixel 9 में OLED जबकि 14 Ultra में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Google Pixel 9 में 6.3 इंचेस जबकि 14 Ultra में 6.73 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Google Pixel 9 में 1080x2424px FHD+ और 14 Ultra में 1440x3200px QHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Google Pixel 9 में 87.1% जबकि 14 Ultra में 89.98% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Google Pixel 9 में 421 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 14 Ultra में 521 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Google Pixel 9 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और 14 अल्ट्रा की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MPF 1.6 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा 23 mm फोकल लेंथ कैरेट 1 tilde सेंसर साइज 50 MPF 1.8 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 12 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.55 tilde सेंसर साइज 50 MPF 1.8 कैरेट टेलीफोटो कैमरा 75 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.55 tilde सेंसर साइज 50 MP 120 mm फोकल लेंथ देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Google Pixel 9 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 14 Ultra की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Google Pixel 9 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और 14 Ultra में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Google Pixel 9 में Mali-G715MP7 जबकि 14 Ultra में Adreno 750 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Google Pixel 9 में Google Tensor G4 और 14 Ultra में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो Google Pixel 9 में 12 GB जबकि 14 Ultra में 16 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Google Pixel 9 में 256 GB जबकि 14 Ultra में 512 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Google Pixel 9 में 4700 mAh जबकि 14 Ultra में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Google Pixel 9 में 4 कलर्स जबकि 14 Ultra में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Google Pixel 9 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 79,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें 14 Ultra की तो वो 16GB RAM 512GB स्टोरेज के साथ 74,890 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें ये रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 14 Ultra आ गए है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 14 Ultra आ गए है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S24 5G है, दूसरा Google Pixel 8a 5G है, तीसरा Honor 200 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Z Flip 6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।